किया क्या आज मतलब आपने एक ऐसी नज़म सुनाई है और इस तरह सुनाई है कि मुझे नहीं लगता है कि मतलब अब कोई गुंजाइश रहेगी इस का शो को आगे बढ़ाने की आपने पूरी चीज़ें एक साथ एक्सप्लेन कर दी हैं अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम बैक टू द शो एक ऐसी चीज़ मेरे अबू ने सुनाई है कि मुझे लगता नहीं कि अब मेरे पास कुछ और लफ्ज़ हैं किसी और बात करने के लिए या कोई और डिस्कशन पर मजीद जाने के लिए बिकॉज इतनी सेल्फ एक्सप्लेटरी नज़म थी है कि जिसके अंदर कोई और गुंजाइश ही नहीं किसी और बात की सही बात है। लेकिन अगेन uh, चीज़ों को समझने के लिए डेप्थ की बहुत जरूरत होती है और बहुत सारे ऐसे हमारे देखने वालों में बच्चे हैं जो शायद इतनी यू you नो know, लुगत को ना समझ पाए इतनी इस डेप्थ को ना समझ पाए इसके पीछे uh, छुपी हुई जो पूरी कहानी है उसको ना समझ पाए तो द ओनली थिंग दैट आई वांट यू टू एक्सप्लेन टुडे कि इसको उस लेवल पे सुनाए कि जो हमारे आज सुनने वाले छोटे छोटे बच्चे हैं वो आज से अपने वालदे का एहतराम करना शुरू कर दें यही है कि ये जो माँ का रिश्ता है बहुत ही मुकदस रिश्ता है कल मैंने कुछ बातें की आज भी मज़ीद बातें करेगी वो रास्ते में गाड़ी में जब हम जा रहे थे तो कल उरूद मुझसे बहुत सारे सवाल पूछ रहे थे हाँ कल एक मेरा जो सवाल था जो मुझे बड़ा वो हो रहा था कि आपने बताया कि जो अल्लाह अल्लाह है उनकी जो मतलब एक होता है ना इस उनकी जो बनाई हुई चीज़ें हैं या उनकी बनाई हुई उनकी जो सिफ, उनकी सफ़ात हैं जो उनका कहीं ना कहीं मुजाहिरा माँ के ममता के साथ उसके साथ में होता है तो आपने बहुत चीजें कल टाइम कम था, था। हाँ, तो बड़ी कम बताई तो अगर आप उसको डिटेल में बताएं। देखो तो, मैं इस तरह समझाता हूँ इसे कि जब आप स्कूल में जाते हैं तो पूरा साल आपको पहले सबक पढ़ाया जाता है ठीक सिखाया जाता है उसके बाद साल के एंड में आपका इम्तिहान होता है मगर जिंदगी और दुनिया पहले आपका इम्तिहान लेती है और फिर सबक सिखाती है आपको बिल्कुल सही ठीक है अब जब ज़िंदगी इम्तिहान लेती है तो उस इम्तिहान में ये होता है कि इंसान के अंदर एक सेल्फ़ प्रजर्वेशन का एक स्ट्रीक होता है एक हिस्स होती है वो अपनी ज़ात को बचाने के लिए अपनी बक्का के लिए आ, हमेशा ऐसी चीज़ें भी सीखता है मिसाल के तौर पर वो सख्त होना सीखेगा ठीक है ना करना सीखेगा भूखा होगा तो छीनना सीखेगा तो जहाँ नेगेटिव चीज़ें माहौल से सिखाई जाती है उसका अपोजिट पॉजिटिव कौन सिखाएगा यहाँ माँ का किरदार आता है ठीक अगर आपने छीनना सिखाया है या लेना सिखाया है तो माँ आपको देना सिखाती है अगर किसी ने आपके साथ ज्यादती की है और आप उसका बदला लेना चाहते हो ज्यादती से तो आपकी वालदा दरगुजर और माफ़ करना सिखाती है ये वो सिफात है जो अल्लाह ताला ने माँ को अता की है और अल्लाह ताला अपनी रहमत अपनी मोहब्बत अपनी रहमानियत का मुजाहरा जो है वो माँ की ममता के जरिए करता है तो जब माँ को आप देखते हो और कुर्बानी इंसान देखता है तो माँ के अंदर देखता है सैक्रीफाइस सारी जिंदगी करती है अपनी वरना इंसान किसी के लिए नहीं करता बिल्कुल सही अच्छा मुझे बात बातें कल हम बात कर रहे थे कि एक जानवर की कल हमने बात की किस तरह उनकी आ, माँ उनको आ, सिखाती है लेकिन आपने ये नहीं बताया कि एक चले जानवर की माँ उसका बहुत ख्याल रखती है जब वो पैदा होता है तो उसके लिए अपनी जान का सेक्रीफाइस करती है लेकिन मतलब उसकी ममता में उसकी भी ममता ही हुई ना एक तरीके से जानवर की और इंसानी ममता में क्या फर्क है एक मैं छोटी सी मिसाल के जरिए तुम्हें समझाऊं देखें शेरनी अपने बच्चों से बड़ा प्यार करती है ठीक और वो उसको शिकार करना लड़ना सब कुछ सिखाती है जो उसकी sifat सि, है जो उसकी हिस्से के अंदर मौजूद है इंस्टिंक्ट में मौजूद है अब शेरनी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाती कि अगर कोई हिरण का बच्चा अपनी मां से बिछड़ जाए तन्हा हो खौफ ज़्यादा हो कमज़ोर हो तो उसको मत मारना उसका शिकार मत करना ठीक मगर इंसान की माँ अपनी औलाद को ये सिखाती है कि अगर जिंदगी में आपको कोई ऐसा शख्स मिले जो कमज़ोर हो यतीम हो बेबस हो लाचार हो तो कभी भी अपना जोर उस पर मत करना बल्कि हो सके तो उसकी मदद करना मां ये ममता माँ की और वो ममता जानवर की इतना बड़ा फर्क है इसके अंदर यानी कि रवैया पूरा आपको सिखाती है जिंदगी की तरफ कि अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो किसी से छीनो मत छीनो मत और अगर तुम्हारे पास कुछ है और किसी के पास कुछ ही तो उसे बांट दो बांट तो ये एक माँ का रवैया मतलब एक ममता जो है वो एक रवैया सिखाती है हमारे साथ एक कॉलर है असला कौन सा आप से जी बोल रहा से जी कैसे हैं सर आप अल्हम्दुलिल्लाह जी 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 सर बताइए आज अगर माँ ना होती मैं बस मैंने पहले दिन भी प्रोग्राम में लिया था कल तो मैं ले नहीं सका कल भी मैंने कहा फोन करूं लेकिन बस नहीं टाइम मिला जी तो आज बस मैंने सिर्फ आप दोनों बाप बेटियों को बाप बेटी को सलाम करना था उसका तो प्रोग्राम आप पेश कर रहे मुझे तो अभी पता चला जब आपने बताया है ना कि मेरे अबू तो फिर मैंने फोन उठाया मैंने कहा मैं पहले ना कर लू <laughs> क्योंकि इतने अच्छे बाप की इतने अच्छी औलाद ही माशाल्लाह बाप बेटी हैं अल्लाह आपको सलामत रखे बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया और कहते हैं ना कि इट्स एन ऑनर कि मुझे लोग अगर जानते हैं तो इनके नाम से जानते हैं और ये कहते हैं कि इतने अच्छे बाप की इतनी अच्छी बेटी मतलब ये भी हो सकता है कि इतनी अच्छी बेटी इतने अच्छे बाप है लेकिन चले कोई नहीं वी सी दी अदर वे अराउंड कि इतने अच्छे बाप की इतनी अच्छी बेटी है अच्छा आप मुझे बताएं कि एक माँ जो है चले बाप अच्छा ये अभी इनके हाँ अच्छा एक सवाल जो मेरे जहन में अभी इनकी कॉल से आया है और बड़े अच्छे और बड़े प्यारे कॉलर हैं कि बाप का नाम तो पूरी जिंदगी हमारे साथ होता है ठीक है हमारे वालिद का नाम और हम पहचाने भी उसके नाम से जाते हैं लेकिन माँ की जो पहचान होती है वो अपनी पहचान करवाना भी नहीं चाहती एक बात बेसिकली अगेन यहाँ पे मेटाफोरिकली हाँ एक चीज समझाई जाती है कि माँ अपनी पहचान को खत्म कर कर आपकी पहचान बनाती है अच्छा ये मेटाफोरिकली यानी वो जो कुर्बानी है ना याद है मैंने एक दफा तुम्हें शेर सुनाया था कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मरतबा चाहे जब तक वो अपनी हस्ती नहीं मिटाती औलाद की पहचान नहीं कराती होती तो वो अपनी हस्ती मिटा दी अगेन मेटाफोरिकली माँ के किरदार में एक ये चीज़ बड़ी अजीम है मगर अल्लाह ताला ने उस माँ को इतनी अजमत दी है कि कयामत के दिन माँ के नाम से बुलाया जाएगा बाप के नाम से नहीं इसको मैं थर्सडे के लेक्चर में एक्सप्लेन कर क्योंकि चुका हम जुड़े हुए एक तरीके से हम जिसम का हिस्सा तो अपनी माँ का ही है ना एक और रीजन भी है वो मैं थर्सडे लेक्चर में बता सकता हूँ टीवी पे नहीं बता सकता चलिए थर्सडे लेक्चर्स को जो लेक्चर को जो अटेंड करना चाहे तो देखिएगा वो एक और रीजन हमें पता चलेगा क्या है जो वो लाइव शो पे नहीं बताना चाह रहे अच्छा मुझे बात बताइए है कि हर बार एक बात बताइ और करते करते बहुत सारी बातें हो जाती हैं कि एक माँ जो है वो अपने बच्चों के लिए लड़खड़ी भी होती है और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ जाती है और उसके जो कैरेक्टर स्टिक्स हैं ममता के वो बड़े ही नरम हैं प्यार प्यारेफाइस सो हाउ कैन अ पर्सनैलिटी ऑफ अ वन कैन हैव बोथ बोथ थिंग्स टू एक्सट्रीम्स कि वो अपने बच्चे के लिए लड़ेगी भी और अपने बच्चे को लड़ने से बचाएगी भी और ना लड़ना सिखाएगी भी देखिए जब एक लड़की शादी होती है और उसके बाद मैंने कल बताया था जब रोल चेंज होता है और वो रोल चेंज होने के लिए नौ महीने की एक इसको ट्यूशन लेनी पड़ती है एक स्कूल जाना पड़ता है वो जो नौ महीने का पीरियड है उसी के अंदर वो ममता का रोल बखूबी सीख जाती है और वो तमाम कैरेक्टरिस्टिक उसके अंदर पैदा हो जाती है ये अजीब और गरीब बात ये है। ये बात तो, तो हम आपकी हाँ। समझ गए माँ बन गई ठीक हाँ। है माँ है औरत वो अपने बच्चे के लिए या अपने बच्चे से किसी चीज को मनवाने के लिए उसके अच्छे के लिए बिल्कुल एक्सट्रीम हाँ। तो कर रही है अपने बच्चे के लिए कर रही है बच्चे के लिए अगर उसको एक, एक एक्सट्रीम पे जाना पड़ा तो जाएगी और बच्चे ही के लिए दूसरे एक्सट्रीम पे जाना पड़ा तो जाएगी तो ये उसके अंदर एक सलाहियत है कि वो एक कमजोर सी चीज कमज़ोर होती फिजिकली

तो जैसे कि हस्बैंड कहते हैं यार तुम पहले मेरी फॉर एग्जांपल अगर लव मैरिज हो तो पहले मेरी गर्लफ्रेंड थी फिर मेरी बीवी बनी अब तुम दोनों में से खुशियों से मेरे बच्चों की माँ हो ठीक है अब बीवी ये कहती है कि मैं और क्या करूँ मैं मतलब तुम्हारी वाइफ तो हुई हूँ लेकिन मैं इनकी माँ भी हूँ तो जब वो माँ का रोल अदा करना शुरू करती है अपनी ज़िंदगी के अंदर तो वो बाकी सारे रोल्स को इतना नज़रअंदाज़ क्यों कर देती है वजह ये है कि सबसे बड़ा रोल होता है देखिए माँ की गोद जो है ना वो एक तरबियत गाह है एक नस्ल नहीं निकलनी है उसमें से और उस नस्ल ने दुनिया के अंदर कदम रख कर अपने मुस्तबिल को और अपनी अपने अपनी किस्मत को शेप करना है तो उसकी जो गोद है उस गोद की तरबियत इतनी डिमांड करती है कि वो टोटल तवज्जो या ज्यादा से ज़्यादा तवज्जो अपनी औलाद पर दे हैविंग सेट ऑफ कोर्स उसके दूसरे रोल्स में भी उसने कोशिश करनी कि बैलेंस क्रिएट करें बैलेंस क्रिएट हाँ, करना चाहिए क्रिएट करना चाहिए शोर का टाइम सास को टाइम देना रिश्तेदारों को देना अपने आप को भी टाइम देना पड़ता है अक्सर माए मतलब दिस इज नॉट समथिंग दैट आई एम सेइंग इन इन अ नेगेटिव टर्म लेकिन आपको सिर्फ एक टीच करने की बात है बिल्कुल सही है कि जब एक औरत माँ बनती तो वो मतलब मैंने वेस्ट की माए देखी हैं कि दे टेक केयर ऑफ देम सेल्फ बिल्कुल